हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। दोस्तों, आज मैं बच्चों के लिए एक ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे ब्रेड ऑमलेट केक भी बोला जाता है। यह रेसिपी बच्चों को काफी पसंद आती है क्योंकि यह तीखी नहीं लगती और खाने में बहुत ही मजे की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अंडे, 3 ब्रेड के स्लाइसेस, 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स को पीस लेना है। मैंने कॉर्नफ्लेक्स को पीस लिया है। अब ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़कर मिक्सी जार में डालना है। इसे पीस कर ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेना है। मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिया है। अब कॉर्नफ्लेक्स को ब्रेड क्रम्स में अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब अंडों में नमक डाल देना है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अच्छे से मिक्स करना है। अब अंडों में डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका ऑमलेट रेडी कर लेना है। फ्राई पैन गरम हो गया है। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है। ऑयल गरम हो गया है। इसे फैलाते जाना है। अब फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक पकाने के बाद इसे पलट देना है। इसे पलटने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। ऑमलेट को पलटने के बाद मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। यह दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब हमारा एक ब्रेड ऑमलेट बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी काफ़ी पसंद आएगा। इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये बिल्कुल केक की तरह कटता है। अब ऑमलेट के पीसेस को निकाल लेना है। बहुत ही स्पंजी बना है। मैंने सारे पीसेस को फ्राई पैन से निकाल लिया है।
बहुत ही मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, कितना स्पंजी बना है।